ब्रेकिंग न्यूज, आज की बहुत ही बड़ी खबर, आम लोगों के लिए खुशखबरी, 1 जून से राशन कार्ड धारकों को सरकार की नई सौगात। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि सरकार 1 जून से पूरे देश में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करना चाहती है। दरअसल सरकार के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल के तहत किसी भी राज्य के राशन कार्ड रखने वाले को देश के किसी भी हिस्से में सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहती है। राम विलास पासवान ने बताया कि ऐसा होने पर देश के किसी भी हिस्से में उचित मूल्य की दुकान की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नागरिक अपने कोटे का खाद्यान्न ले सकेंगे। पासवान ने एक कार्यक्रम में बताया है कि वर्तमान में 12 राज्यों के राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू हो चुकी है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा शामिल हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे 4 और राज्य 1 मार्च तक और बाकी अन्य राज्य 1 जून तक इस नई व्यवस्था को अपना लेंगे। खाद्य मंत्री ने यह भी कहा है कि राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में अपने हक का राशन हासिल कर सकेंगे। स्मार्ट राशन कार्ड बनवाने के लिए उपभोक्ता को अब देने होंगे इतने रुपए। तो चलिए कितने रुपए देने होंगे आपको विस्तार से बताते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नए स्मार्ट राशन कार्ड बनवाने के लिए कार्ड धारक को 17 रुपये का शुल्क देना होगा। उत्तराखंड शासन ने स्मार्ट राशन कार्ड की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत यदि राशन कार्ड जारी कर दी है खो गया है, खराब हो गया, तो डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए 25 रुपये का शुल्क लगेगा। प्रदेश में सस्ता राशन देने के लिए वर्तमान में प्रचलित राशन कार्ड धारकों की अवधि वर्ष 2018 में समाप्त हो चुकी है। अब सरकार की ओर से राज्य में पोर्टेबिलिटी राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने नए स्मार्ट राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शासन की ओर से सभी जिलों को जारी गाइडलाइंस के अनुसार अंत्योदय, प्राथमिक, परिवार एवं राज्य खाद्य योजना के तहत बनने वाले राशन कार्डों में एक रूपता रहेगी। नए राशन कार्ड एवं नवीनीकरण के लिए उपभोक्ता को 17 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए 25 रुपये का शुल्क देना होगा। नए स्मार्ट राशन कार्ड पर जिला पूर्ति अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। नए कार्ड बनवाते समय पुराना राशन कार्ड धारक को जमा करना होगा। पुराने राशन कार्ड को जिलाधिकारी की ओर से नामित मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नष्ट किया जाएगा। एक कार्ड में 10 यूनिट, नए राशन कार्ड में अधिक से अधिक 10 यूनिट तक दर्ज हो सकेंगे। यदि किसी परिवार में सदस्यों की संख्या 10 से अधिक है तो ऐसे कार्ड धारक को अलग से दूसरा कार्ड बनाकर दिया जाएगा। पहले चरण में उन्हीं राशन कार्ड धारकों को नए कार्ड बनेंगे जिसमें सभी सदस्यों का आधार नंबर का सत्यापन किया गया है। प्रदेश में नए स्मार्ट राशन कार्ड बनाने के लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शीघ्र ही स्मार्ट कार्ड योजना का शुभारंभ किया जाएगा। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हमें ये भी बताएं आप किस राज्य स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमें ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी और भी हेल्प कर सकें इसके आधार पर। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और गाइस, हमारे इस चैनल ऑनलाइन रोजगार को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। गाइस, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो टेक केयर एंड गुड बाय। ये रेड कलर में दोस्तों ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसे दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये तुरंत ही बैल का आइकन आएगा दोस्तों बराबर में, इसे दबाकर ऑल पर कर दें जिससे आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी।